हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी जगह पर जो दिल्ली के सेंटर में होने के बावजूद बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये स्टैचू जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ लेबर और जिसे बनाया है श्री डीपी रायचौधरी ने। ये दर्शाता है मेहनत की ताकत को और हम सभी को इंस्पायर करता है। ये और इसी की तरह बहुत कुछ मैं आपको आज इस व्लॉग में दिखाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आर्टीज लाइफस्टाइल में। आज मैं हूँ दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। यहाँ पर डिस्प्ले पर लगी हैं बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स, तो चलिए घूमकर देखते हैं इस जगह को। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आने के लिए आपको आना होगा इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के साथ ही बना हुआ है ये। दिल्ली में रहते हुए भी बहुत कम लोग हैं जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट देखने जाते हैं। मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ एंड ट्रस्ट मी, यहाँ आकर पता चला ये कितनी खूबसूरत जगह है जो कि अब तक बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है। गेट पर एंट्री करने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। इस एरिया के स्कल्पचर्स को देखने के लिए कोई फीस नहीं है, पर हाँ अगर आप आर्ट गैलरी के अंदर यहाँ की पेंटिंग्स देखने जाना चाहते हो तो आपको यहाँ की टिकट लेनी पड़ेगी। ये यहाँ की प्रोमिनेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है जयपुर हाउस। पहले ये जयपुर के महाराज का रेसिडेंस इन दिल्ली होता था और अब इसमें एग्जीबिशंस लगती हैं और साउंड एंड लाइट शो भी होता है। ये गैलरी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन, जो बनाया गया था 1954 में। यहाँ पर आपको लगभग 17,000 अलग अलग आर्टवर्क्स देखने को मिलेंगे जो कि 2,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट की लगन और मेहनत का नतीजा है। यहाँ आकर मैंने तरह तरह के स्कल्पचर्स देखे जो कि अकल्पनीय और अद्भुत थे। भारत के शिल्पकारों की प्रतिभा का लोहा पूरा विश्व क्यों मानता है ये मुझे यहाँ आकर पता चला। जब तक आप खुद ये सब अपनी आंखों से ना देखें तब तक समझ नहीं आता कि इस बिल्डिंग के आंगन में इतनी विलक्षण कला बिखरी हुई है। इस जगह पर आपको ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स के साथ साथ मॉडर्न स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। ये स्कल्पचर्स देखते देखते बिल्डिंग के राइट में मुझे एक अनोखा पेड़ दिखाई दिया और मैं चल पड़ी उसे देखने। इस पेड़ के मैं जितना पास जाती जा रही थी इसके बारे में मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। ये बना हुआ है इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के ठीक सामने। इस अनोखे पेड़ को बनाया है आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने। इस पेड़ को शेप दी गई है बैनियन ट्री की और इसका नाम है दादा, मीनिंग ग्रैंडफादर और दादाजी। ये पूरी तरह स्टेनलेस स्टील का बना है और इसकी हाइट है लगभग 20 फुट। इस पेड़ को देखने वाले हर व्यक्ति के लिए इस पेड़ का एक अलग ही मीनिंग है। कुछ लोगों के लिए ये बोधि ट्री है, कुछ के लिए निर्वाणा ट्री। मुझे इसमें अन्नपूर्णा की झलक मिली, अ कॉमन बट स्पेशल इंडियन मदर की। एक ऐसी मदर जो अपने 100 हाथों में बर्तन लेके खड़ी है ताकि उसका कोई भी बच्चा भूखा न सोए। इस अनोखी रचना को देखने के बाद हम चल पड़े हैं इस जगह के दूसरे हिस्से की तरफ जहाँ पर और भी स्कल्पचर्स हैं और यहाँ की फेमस आर्ट गैलरी
जहां पर इंडिया की बेमिसाल और बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये जगह है जयपुर हाउस के बैक साइड में। यहां पर भी आपको बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये है जयपुर हाउस का बैक साइड, जहां पर इंपोर्टेड लाइट्स और साउंड का यूज होता है फॉर साउंड एंड लाइट्स शो। आने वाले समय में यहां बहुत ही अच्छी एग्जीबिशंस लगने वाली हैं। यहां पर ऐसी बहुत सी मूर्तियां हैं जो आपको विस्मित कर देंगी। इन मूर्तियों को बनाने वाले कारीगरों ने अपनी सारी कल्पना इन मूर्तियों में उकेर कर रख दी हैं। इंडिया के कलाकारों का काम कितना डीप और रिच है वो इन मूर्तियों को देखने पर आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट हम चल पड़े हैं आर्ट गैलरी की तरफ पेंटिंग्स देखने। एंट्रेंस पर ही आपको ये पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक लगता है। अंदर जाकर काउंटर से या ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। टिकट प्राइस है सिर्फ 20 रुपये, ओनली 20 रुपीज, और सामान रखने के लिए लॉकर भी फ्री है। अंदर घुसते ही साथ लेफ्ट में है सोवेनियर शॉप, जहां से आप पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गैलरी को एक्सप्लोर करना। यहाँ पर पेंटिंग्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगी कुछ आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पर 4 फ्लोर्स पर अलग अलग समय के आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगी हैं जो आप देख सकते हैं। दिन भर में यहाँ पर 3 गाइडेड टूर्स होते हैं। हमने 1:30 बजे वाला गाइडेड टूर लिया था। यहाँ का गाइडेड टूर फ्री है, जो कि यहाँ के क्यूरेटर मिस्टर गांगुली देते हैं। इस टूर में हमको पता लगा बहुत पुराने समय से लेकर अब तक के मॉडर्न जमाने की पेंटिंग्स के बारे में। अगर हमने ये गाइडेड टूर नहीं लिया होता तो हमें इसके बारे में पता नहीं लगता। इस जगह पर आप खुद आकर इन पेंटिंग्स को विटनेस करें। मेन गैलरी के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं पाए, बट ट्रस्ट मी, आप यहाँ कर आके इंडिया के रिच कल्चर को विटनेस कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली विजिट करने आए हों तो इस आर्ट गैलरी को अपने लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इस आर्ट गैलरी को एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।